देखिए यहाँ ग्रामर का सेट नंबर 3 है और इसमें हम लोगों ने बात किया था आई मीन्स होता है मैं, है ना, और एम मीन्स होता है हूँ। आई मीन्स क्या होता है? मैं। और एम मीन्स क्या होता है? हूँ, है ना। इस पर कुछ एग्जांपल की बात किए थे, कुछ थोड़ा एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, है ना। जैसे देखो, मैं कहूँ मैं एक अंतरिक्ष यात्री हूँ, बताओ इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे मैं एक अंतरिक्ष यात्री हूँ। आई एम एन, और अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं एस्ट्रोनट। अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनट, है ना। ए एस टी आर ओ, एस्ट्रो हो गए। देखो स्पेलिंग याद करने का तरीका ये होता है, ए एस टी आर ओ एस्ट्रो नट, एन ए यू टी एस्ट्रोनट, है ना, क्लियर है। आई एम एन एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट की स्पेलिंग ए एस टी आर ओ एन ए यू टी। तो मैं एक अंतरिक्ष यात्री हूँ, आई एम एन। अब ये चीज आपको याद करना होगा, एस्ट्रोनट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। अच्छा चलो, अब ये बता दो मैं एक भारतीय हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ बताइए। आई एम एन इंडियन, आई एम एन। अब भारतीय को क्या बोलते हैं? इंडियन। आई एन डी आई ए एन, ये तो याद ही होगा ना, आई एम एन इंडियन। अच्छा एन क्यों लगा, ये क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ साउंड कौन सा है? कान, वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड के लिए एन आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आता है, क्लियर है। अच्छा एक बता दीजिए, अगर मैं कह दूं मैं एक जज हूं, जज मीन्स समझते हैं क्या होता है? न्यायाधीश, है ना। मैं एक जज हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए? आई एम आ, जज को जज ही बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या होगी? जे यू डी जी ई, आई एम अ जज, मैं एक जज हूँ। अभी क्लियर है ना, आई एम अ जज का मतलब क्या हो गया? मैं एक न्यायाधीश या जज हूँ। अच्छा मैं कह दूँ मैं एक वकील हूँ, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में बताइए? मैं एक वकील हूँ, आई एम आ। अब वकील को क्या बोलते हैं? लायर। वकील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायर, एल ए डब्ल्यू वाई ई आर, क्या होगी? एल ए डब्ल्यू वाई ई आर, लायर मीन्स वकील। और एक और वकील की इंग्लिश होती है एडवोकेट, सुनी होगी, है ना। तो आई एम एन एडवोकेट की स्पेलिंग होगी ए डी वी ओ सी ए टी ई, एडवोकेट। तो दो तरीका इसका, है ना, आई एम अ लॉयर या आई एम एन एडवोकेट। अभी दोनों क्लियर है ना, मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर या आई एम बोलो एन एडवोकेट, क्लियर है, समझ में आया? बढ़िया, अच्छे से क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गया आई पर, क्लियर है, ये क्या हो गया आई पर। अब मैं ऐसे कह दूं कि मेरी माँ, अब ध्यान, आप आपको दिमाग लगाना है, ठीक। मेरी माँ एक गृहिणी है, मेरी माँ क्या है? एक गृहिणी है। अब देखो गृहिणी का मतलब होता है हाउसवाइफ, है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गुड, माई मदर इज अ हाउसवाइफ, माई मदर इज अ हाउसवाइफ, क्लियर है। या इसको बोल सकते हो होम मेकर, हाउस वाइफ बोलो या होम मेकर भी होता है, क्लियर है। अभी समझ में आया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने वह की दो इंग्लिश बताया था, है ना, वह की दो इंग्लिश होती है, अगर मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो सी। तो मेल के लिए ही आता है और फीमेल के लिए क्या आता है? सी आता है, है ना। इन दोनों के साथ में क्या लगता है? इज लगेगा, इन दोनों के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा, है का सेंस होगा तो,
क्लियर है। जैसे देखो अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कह दूं वह एक व्यावसायिक है, व्यावसायिक मीन्स होता है बिजनेसमैन, है ना। वह एक व्यावसायिक है, व्यावसायिक मीन्स क्या होता है बिजनेसमैन। अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई। अरे आई का डेट कहाँ होगा, ही या सी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा ही इज अ बिजनेसमैन। देखो बिजनेस मैन है ना, ही इज अ बिजनेस मैन, वह एक व्यावसायिक है। अगर मैं यहाँ पर बिजनेस वूमेन लिख दूं तो तब क्या ही रहेगा, नहीं, वुमेन की बात है तब यहाँ क्या करेंगे, सी इज अ बिजनेस वुमेन। समझ में आया, अभी इतना क्लियर है ना, वह एक बिजनेस मैन है, ही इज अ बिजनेस मैन या सी इज अ बिजनेस मैन, क्लियर है। मैं कह दूं वह एक लड़का है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह एक लड़का है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, गुड, ही इज अ बॉय। अब बॉय के लिए तो ही आएगा ना। अच्छा इसका एक और तरीका है, डैट इज अ बॉय, ये भी तो बोल सकते हैं, अगर हम ऐसे पॉइंट करके बता रहे हैं कि वह एक लड़का है, सच में है, तो क्या हो जाएगा, डैट इज अ बॉय या ही इज अ बॉय, दो दो बन जाएगा, समझ में आया। अच्छा अब एक बता दो, मैं कह दूं वह एक लड़की है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही नहीं, सी इज अ गर्ल, इजी है ना, गर्ल है तो सी। अच्छा आप बताओ, मैं कह दूं वह एक आदमी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रुको रुको आप बताओ पहले, ही इज अ मैन, गुड, आदमी को क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। चलो आप बता दो बेटा, मैं कह दूं वह एक औरत है, अब इसको क्या बोलेंगे, सी इज अ वुमेन, है ना, वुमेन मीन्स औरत, मैन मीन्स आदमी, क्लियर है, समझ में आया, इतना क्लियर है ना। तो एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ इसको, देखो सिंपल सा है, ग्रामर सेट थ्री एकदम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम बच्चों लेवल से, अभी इजी, फिर धीरे धीरे टिपिकल आएगा, फिर कहोगे अरे सर आप तो मजाक कर रहे हैं, है ना, अभी हैबिट बनवा दूं पहले। देखो यहाँ आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स होता हूँ, जैसे मैं एक अंतरिक्ष यात्री हूँ, आई एम एन एस्ट्रोनॉट, क्लियर है, मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं एक न्यायाधीश हूँ, आई एम अ जज, मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर, या इसको दूसरा तरीका क्या है, आई एम एन एडवोकेट, है ना, ए डी वी ओ सी ए टी ई, मेरी माँ एक गृहिणी है, इसको क्या बोलेंगे, माई मदर इज अ हाउस वाइफ या इज अ होम मेकर, दो तरीका है ना। अब वह की इंग्लिश मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी, दोनों के साथ इज लगेगा, जैसे वह एक व्यवसायिक है तो ही इज अ बिजनेसमैन, है ना, वह या सी इज अ बिजनेस वुमेन, अगर बिजनेस वुमेन कर रहे हैं तो सी, बिजनेसमैन कर रहे हैं तब ही, क्लियर है। आगे वह एक लड़का है, क्या हो जाएगा, ही इज अ बॉय, है ना, वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल, वह एक आदमी है, ही इज अ मैन, वह एक औरत है, सी इज अ वुमेन, अभी क्लियर है ना, समझ में आया, याद हो जाएगा। देखिए अब यहाँ मैथ्स सेट थ्री आ गया और इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेट को, क्लियर है, बेट। अब देखिए बेट में एक चीज आता है केजी, तो केजी मींस, पहले समझ लो केजी मींस होता क्या है, तो केजी मींस होता है किलोग्राम होता है, क्लियर है, केजी मींस क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो वन केजी यानी कि वन किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ये चीज याद रहेगा, वन किलोग्राम कितने थाउजेंड, सॉरी 1000 ग्राम के इक्वल, मीन्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम,